प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम जीवन परिवर्तन में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। जीवन में कभी कभार आपके पास स्वतंत्रता होती है और आपको चुनना होता है कि आप किस रास्ते पर चलें, और आज की हमारे गवाही इसी बात पर आधारित है कि जिंदगी में हम कौन सा रास्ता चुनें और किस तरह से हम परमेश्वर की सेवा करें। आइए जानते हैं इस गवाही के बारे में। आज एक ऐसी युवती हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही चुन लिया कि वो किसकी सेवा करेंगी, किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के करीब रखेंगी। स्टेला मुर्मू, जो झारखंड से संबंध रखती हैं, आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहन स्टेला, आपका स्वागत है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और अपनी जिंदगी की वो बहुमूल्य गवाही आज हमारे साथ बांट सकती हैं। जी, धन्यवाद। किस तरह से आपने जो है, जिस तरह से आपकी गवाही बताती है कि आपने बचपन में ही ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए कि आप खुद को परमेश्वर के करीब करना चाहते थे, किस चीज़ ने आपको इस बात के लिए उत्साहित किया या प्रोत्साहित किया? जिस तरह से मुझे लगता है कि मैं पहले एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, फिर अचानक मेरे पिता के दुर्घटना हो जाने के बाद मुझे एक दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। वो स्कूल भी क्रिश्चियन स्कूल ही था, और फिर मैं जिस तरह वहाँ हॉस्टल में पढ़ने लगी, उनका जो एजुकेशन है, मॉर्निंग एंड इवनिंग उनका जो कार्यक्रम है, डिवोशन होता है, वो मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मैं उसी समय से सोचने लगी कि मुझे प्रभु में आना है, मुझे बैप्टिज्म लेना है। मुझे किसी ने कभी नहीं कहा, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना टीचर्स ने, ना मेरे दोस्तों ने, किसी ने नहीं कहा। यानी कि आपका जो स्कूल का एनवायरनमेंट था, वहाँ का वातावरण था, और आपका परमेश्वर में बचपन से लगाव, इसी बात ने आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देंगे। जिस तरह से मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप जो हैं स्कूल समय से ही आपने जो है लिटरेचर इवेंजलिस्ट का काम किया है, परमेश्वर का काम जो है बुक्स के ज़रिए से किया है, घर घर में जाकर, क्या ये बात भी आपके लिए मददगार साबित हुई कि आप खुद को परमेश्वर के करीब करें? जी, एली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी था। 9th स्टैंडर्ड में एक मैं बैप्टिज़म ली, दूसरा मैं एली का काम की, और जब मुझे एली ट्रेनिंग मिल रहा था तो ऐसा एहसास हुआ कि बस एक मौका मिल जाए परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बोलिए, किसी भी घर, कोई भी जगह, मैं और मेरी दोस्त इतने प्रभावित हो गए थे कि कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ आपके, आपकी ज़िंदगी में आपने कहा कि बचपन से आपको लगाव था परमेश्वर से, किस बात ने आपको प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया? क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि बचपन में जो है बच्चे जो हैं वो या तो खेल कूद में लगे रहते हैं या अपने उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हम आगे क्या करेंगे, भविष्य भी कोई चीज़ है या मुझे कुछ चुनना है, वो सोच नहीं रखते। लेकिन आपने ये सोच रखी कि आपको बैप्टिज्म लेना है या फिर परमेश्वर के साथ बने रहना है, किस चीज़ ने आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया या प्रेरित किया? जो मॉर्निंग और इवनिंग डिवोशंस होता है और चर्च सर्विस होता था, उससे मैं इतना खुश थी, मैं इतना पीसफुल महसूस करती थी कि मैं इंतज़ार करती थी वीकेंड का कि कब फ्राइडे आएगा और कब जाऊंगी मैं। लोग गिनते थे दिन, मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और जैसे आए मैं इतना खुश होती थी कि कल चर्च जाना है ऐसा। और जब स्पीकर बोलते थे, जब अपना मैसेज देते थे, तो मुझे लगता था वो ख़त्म ही ना हो, बोलते जाए और मैं रात भर सुनते रहूँगी, मुझे ऐसा लगता था।
तो यानी कि बचपन से ही खुदा की तरफ से आपके जीवन में ये था कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर या फिर उसके कामों की ओर बना रहे। जी और जैसे जैसे आपकी स्कूलिंग चलती गई, आप पढ़ते गए और आपने कहा कि 9th क्लास में आपने जो है बैप्टिज्म लिया। यहाँ पर क्या घटना थी कि आपने बैप्टिज्म लिया, एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के आप मेंबर बने? कोई इसमें कोई बाधा नहीं आई, कोई जो है आपको किसी ने रोका तो नहीं इस बात के लिए? नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका। जब मैंने मेरी माँ को बताया कि मैं बैप्टिज़म लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और मेरे टीचर्स जो थे, वो खुद मुझे देखना चाहते थे कि मैं कब बैप्टिज़म लूँगी। वो कभी बोले नहीं, लेकिन उन्होंने देखा था मेरे अंदर कि मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहती हूँ और मैं मसीही परिवार को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और आपकी ज़िंदगी में आपने किस तरह से परमेश्वर को फेस किया, यानी कि कहाँ से आपको पता चला कि नहीं परमेश्वर है, या वो मदद करता है, या वो हमारे साथ रहता है? इस तरह की बातें आपने कब ज़िंदगी में महसूस की? मुझे कई बार चर्च सर्विस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, बहुत बार। और फिर मुझे वर्शिप लीडर का भी काम मिल गया था, तो मैं जब ये करती थी तो उसमें मुझे अपने आप में लगने लगा कि मैं इसी के लिए फिट हूँ, मैं यही काम कर सकती हूँ, इसी रास्ते में मुझे चलना चाहिए, ऐसा लगता था। और जो हम लोग की डीन थी, वो भी इतना खुश थे मुझसे कि पता नहीं क्यों, वो मुझे बहुत मानती थी इसके लिए। और फिर जब मैं एली का ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें भी जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया, तो सब मुझसे इतना खुश थे कि मुझे नीचे स्टेज से तालियां मार रहे थे मेरे लिए। जब आपका एली के लिए चुनाव हुआ, स्टूडेंट लिटरेचर इवेंजलिस्ट बनने के लिए आपका चुनाव हुआ, आपने कहा कि आप सेवंथ एडवेंटिस्ट मेंबर्स नहीं थे उस समय तक, किस तरह से वो घटना उस समय हुई कि आपको चुना गया इस काम के लिए? जब फॉर्म भरना पड़ता है एली के लिए, तो मैं सर से पूछी कि सर, मैं सेवन डे एडवेंटिस्ट नहीं हूँ, क्रिश्चियन हूँ लेकिन सेवन डे एडवेंटिस्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, पर मैं बैप्टिज्म लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एली का काम बहुत बहुत करने का मन था और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। तो मैं बोली, सर मैं मेंबर नहीं हूँ और जो मेंबर नहीं है वो नहीं कर सकते, मुझे पता था यार। सर बोले, तुम बैप्टिज्म लेना चाहती हो ना, बस समझो तुम हो, उन्होंने मुझसे कहा। और उसके बाद आपको जो है मौका, और भी कोई घटना थी जिस बात ने आपको इस बात के लिए आपके आपके और भी जो है आपको प्रेरित किया कि आप कर सकते हैं इस काम को? किस बात ने हामी भरी इसमें? इंटरव्यू के लिए 4 लोग चुने गए थे, उनमें से मैं चौथी थी। तो मैं अपना मौका के लिए इंतज़ार कर रही थी। फर्स्ट, सेकंड, जो सेकंड थे, थर्ड थे, उनको इतना, मतलब वो लोग बोल नहीं पा रहे थे, डर रहे थे स्टेज में, तो सर उनसे काफ़ी नाराज़ थे। तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था कि स्टूडेंट बाहर भी जा पाएंगे। मैं सर से बोली कि सर मुझे मौका दीजिए। सर बोले कि टाइम अप हो गया है, अभी लंच का टाइम है, हम लोग लंच के लिए जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे। जो बाद में देखेंगे, मुझे पता है कि फ्राइडे है, साबत के लिए प्रिपेयर करना, फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इंटरव्यू नहीं दे तो मतलब एली का काम नहीं कर सकते। तो मैं बोली, सर सर लाइन तो बहुत बड़ा होगा, अभी लंच के लिए टाइम भी लगेगा, अब मुझे बस एक मौका दीजिए, बस मुझे एक बार। तो फिर सर बोले, अच्छा ठीक है। फिर हम लोग स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरव्यू होता है, तो मैं जब गई उसमें मेरे मेरे जगह पे स्टूडेंट नहीं थे, सर बैठे हुए थे। तो वो सर ने बहुत रूड से मुझसे बात किया। मैं बोली कि सर मैं एक लिटरेचर इवेंजलिस्ट हूँ, होम हेल्थ एजुकेशन सर्विस से आई हूँ, और मैं आपको कुछ बुक्स दिखाना चाहती हूँ। आपसे हम बात जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय है। ज़रूर। प्यारे दर्शकों, ये बहुत ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है, हम इसमें बने रहेंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम वापस लौटकर आ गए हैं आपके पास इस कार्यक्रम के बाकी बचे हुए हिस्से को लेकर। आइए बात करते हैं बहन स्टेला से कि उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने और क्या काम किए। जिस तरह से आप जो है इस वक्त आप मेंशन कर रहे थे कि उस समय जब आपको आप चाहते थे कि आप लिटरेचर इवेंजलिस्ट का काम करने के लिए जाएं, और ताकि उन बुक्स के ज़रिए से, उन किताबों के ज़रिए से आप परमेश्वर का नाम लोगों के घर घर तक पहुंचाए, तो किस तरह से आपका चुनाव वहां पर जो हुआ? क्योंकि आपने कहा कि टीचर ही बड़े आपको मौका साथ नहीं मिल रहा था, और आप दुआ कर रहे थे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको एक मौका दे, फिर किस तरह से परमेश्वर ने आपको मौका दिया उस समय? जब मैं इंटरव्यू के लिए गई और फिर
मैं घुसी और सर को बोली कि मैं होम हेल्थ एजुकेशन सर्विस से आई हूँ और मैं स्टूडेंट एली हूँ। ये जो तो आप डेमो दे रहे थे उस हाँ समय वहां पर जी कि जी किस तरह से आप लोगों के घर जाएंगे हाँ, और उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं जैसे बोली सर बोले कि मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। तो बोली सर बस एक बार मौका दीजिए, एक बार आप मेरे बुक्स देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है ख़रीदना, बस आप देखिए। तो सर बोले पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से। तो सर प्लीज़ एक बार देखिए, कोई हानि नहीं है, हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपको ख़रीदने के लिए, आप देख सकते हैं, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर बोला अच्छा ठीक है, फिर बैठने बोले। फिर वो बुक का पन्ना पलटते गए, देखते गए देखते गए देखते गए। सर बोले कि इससे क्या लाभ है। तो मैं बोली सर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए, हम लोग को अपना डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, और फिर कितना ज़रूरी है कि हम नेचर के साथ अपना संबंध रख सके ऐसा। तो सर बोले मेरे पास पैसा नहीं है जी, मेरे बुक पसंद है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। बोले सर आप चिंता मत कीजिए, आप बाद में भी दे सकते हैं, आपको बुक पसंद है यही बहुत है हम लोग के लिए, आप बस बुक रखिए और जब आपके पास पैसा होगा तब आप दीजिएगा ऐसा। तो ये आपने वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हाँ प्रेजेंटेशन आपने दी कि किस तरह से आप लोगों के घर जाएंगे। तो वहाँ पर फिर किस तरह से जब आपके प्रेजेंटेशन उन्होंने देखी तो उनका जो है उनके क्या उन्होंने सोचा और क्या विचार उन्होंने आपके लिए किया? जब मैं उनको बोल रही थी कि आप जब बुक पढ़ेंगे फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप स्किपिंग करेंगे, स्किपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तो नीचे से लोग तालियां मार रहे थे कि हाँ ये सर मोटे हैं, उनको करना चाहिए करना चाहिए, और वो ताली मार रहे थे और बोलो यानी कि ऐसा। आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बिल्कुल सही था, वो बहुत खुश हुए कि आपने सही प्रेजेंट जो जी अपना किया कि किस तरह से आप लोगों के घर में जाकर उनको किताबों के बारे में बता सकते हैं ताकि वो जो है उन किताबों को लें और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर करें। जी और वहाँ पर आपका चुनाव हो जाता है कि जी वो जो आपको कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। और उस साल में आप गए और आपने स्टूडेंट लिटरेचर इवेंजलिस्ट का काम आपने किया, तो वहाँ पर किस तरह से आपने पाया कि नहीं सच में परमेश्वर जो है मदद करता है? मैं जब स्कूल स्कूल गई वहाँ वो बुक्स लेते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्टूडेंट एली है, वो अपना स्कॉलरशिप के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी जगह है जो हम लोग के बारे कुछ नहीं जानते, तो ज़्यादा ज़्यादा स्पेशल तब महसूस होता है कि जब लोग हमारे बारे नहीं जानते हैं, हम लोग का बैकग्राउंड क्या है, फिर भी लोग बुक लेते हैं। तो ऐसे ही मैं एक जगह गई थी जो बहुत ही रिमोट एरिया है, और जब मैं वहाँ गई वो लोग जानते थे कि हम लोग स्टूडेंट एली है, वो लोग बुक्स भी लिए। इसके बाद वो हम लोग को बोले कि अंदर जाओ, वहाँ गांव है, छोटे छोटे जगह होंगे, छोटे छोटे स्कूल्स होंगे, इंडिविजुअल स्कूल्स होता है ना, जहाँ सिर्फ छोटे बच्चे पढ़ने बिल्कुल आते हैं बिल्कुल ऐसा। तो मैं वहाँ वहाँ गई, फिर वहाँ मुझे एक परिवार मिला, उनमें बहुत वहाँ बहुत एल्डरली एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो मैं जब गई तो हस्बैंड जो है खेती में काम कर रहे थे, तो फिर वो मुझे देखे कि दो लड़कियां आ रही हैं, तो वो आए, फिर बोले हाँ बोलिए। तो मैं बोली कि मैं स्टूडेंट लिटरेचर इवेंजलिस्ट हूँ और मैं कुछ बुक्स दिखाना है। तो वो बोले कि मुझे बुक्स बहुत पसंद है, अगर तुम्हारे पास कोई हिंदी बुक है तो ज़रूर मुझे दिखाओ। मैं दिखाई, फिर वो मैं बोली कि आप उनको पढ़ सकते हैं, और अगर तो वो बोले कि मुझे ज़्यादातर मसीही किताब दिखाओ। तो मैं वो दिखाई, फिर मुझे बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लेने का बहुत मन है लेकिन मेरे जो बेटे और बेटियां हैं वो लोग अभी यहाँ नहीं हैं और उनके पास ही पैसा होता है और हम लोग तो बहुत गरीब है, तो अभी मैं नहीं ले पाऊँगा। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं, बाद में पैसे दे दीजिएगा, हम लोग फिर आएंगे ऐसा। तो वो बोले कि नहीं, लेकिन मेरे बेटे आप अंदर जाइए गाँव में, एक स्कूल में होंगे, वहाँ आपको मिलते हैं, तो आप उनको बोलिए ऐसा। तो मैं तो अभी नहीं ले पा रहा, लेकिन पता नहीं क्यों वो लेना नहीं चाहते थे जबकि उनको बहुत पसंद था, हो सकता है ओके, पैसे के पैसे कारण क्या वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वो जिस तरह ऐसा नहीं बोले मैं नहीं लेना चाहता हूँ या मुझे पसंद नहीं है, उसको बहुत पसंद था, वो बात बहुत अच्छा था। और साथ में वो इतना खुश हुए कि वो खेती कर रहे थे तो वो दो सरसों दिए, मतलब दो क्यूकम्बर दिए, और वो क्यूकम्बर इतना ताज़ा था, इतना अच्छा था कि मुझे इतना अच्छा लगा। वो बोले कि बहुत गर्मी है, तुम लोग यहाँ रेस्ट करो, शाम को जाना। बोले शाम को जाएंगे तो लेट हो जाएगा। और फिर मैं बोली कि अभी बहुत सारे जगह भी जाना है, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है हमारे साथ। तो बोले कि ठीक है ये लो रास्ते में खाना। तो वो इतना अच्छा उनका जो व्यवहार था वो मुझे खुश कर दिया। बुक लेना बड़ी बात नहीं थी, उनका व्यवहार, उनका जो प्यार वो जताए वो बहुत ज़्यादा यानी था। कि जो आप आपका मकसद था कि आप जो है अपनी ज़िंदगी से या अपनी किताबों से
परमेश्वर को जाहिर करें, परमेश्वर को प्रकट करें, उसको करने में आप जो वहाँ पर साबित हुए कि आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर को का नाम जो है उन लोगों तक पहुँचा दिया था। और भी आपने जो है उस समय काम किया कि आप जो हैं लिटरेचर इवेंजलिस्ट के जरिए से परमेश्वर का नाम लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था, आपके साथ कोई साथी नहीं था, तो किस तरह से आपने दुआ की और प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोला? मैं जब सिलीगुड़ी गई थी एली का काम करने के लिए, उस समय मेरी दोस्त वो मुझे बोली कि वो मुझे मदद करेगी, लेकिन ये इजी नहीं होता है एक लड़कियों के लिए। घर जाते हैं तो घर में, घर के अंदर रहते हैं, हमें अलाउ नहीं किया जाता है कि लोग बाहर जाए, और वो भी छुट्टी के लिए आई थी, तो अगर वो मेरे साथ घूमती रहेगी तो फिर परिवार के साथ समय कैसे बिताएगी, ऐसा था। तो फिर वो मुझे एक दिन वो बोली कि हम लोग एक जगह जाएंगे जिसका नाम बागडोगरा है, वहाँ मेरे एक भैया है वो शायद हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम लोग गए, पूरे छुट्टी ऐसे ही थे घर में, ज़्यादा काम नहीं किए, और फिर जब हम लोग वहाँ गए तो वो एक भैया से बात की, वो भैया बोले कि हाँ जितना स्कूल है मैं कोशिश करूँगा तुमको ले जाने के लिए। फिर वो अपने बाइक में अलग अलग स्कूल ले गए, तो वो जिस तरह परमिशन आपके लिए रास्ता खोला, रास्ता खोल दिया कि आप जो हैं हर एक स्कूल विजिट कर सके और अपने बुक्स के जरिए से वहाँ तक पहुँच सके। आप एक युवती हैं, एक लड़की हैं, आपको किस चीज़ का डर नहीं लगा कि आपको बाहर जाना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है, ना जाने किस तरह के लोग मिलेंगे, कैसा वो व्यवहार करेंगे, इस बात ने आपको कभी डर सा महसूस नहीं होने दिया? जब एली ट्रेनिंग में थी तब बिल्कुल डरने लगा, तब मुझे बहुत करने का मन था। जब मैं फील्ड में उतरी तब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि अब कैसे अंदर जाऊंगी, क्या बात करूंगी, अगर वो रूड हो गए तो मैं वहाँ डिस्करेज हो जाऊंगी और मैं आगे नहीं काम कर पाऊंगी, ऐसा। तो आपसे बात जारी रखेंगे, एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक का समय है। प्यारे दर्शकों, एक युवती की जिंदगी से आपको एक ऐसी कहानी सुनने को मिल रही है कि आप अपने जीवन को और ज्यादा परमेश्वर के करीब कर सकेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ यूं ही बने रहे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे दर्शकों, हमारा इंतजार करने के लिए आपको धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बहन स्टेला से उनके जीवन के बारे में बातचीत जारी रखते हैं। जिस तरह से आपने अभी आपने बताया अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा कि आप बचपन से ही परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर के साथ ही आपका लगाव था, ये समय था कि आपने एली भी किया, एली के जरिए से आप और भी परमेश्वर के करीब हुए, और जो आपकी 9th क्लास था उसमें आपने बैप्टिज्म लिया, और जब आप 10th अपना जो है पास कर लिया आप चले, उसके बाद आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया, किस तरह का वो मोड़ था कि आप हमारे साथ जो है यहाँ पर बताना चाहेंगे? मेरा 10th का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, और फिर मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि मैं उतना मेहनत नहीं की, मैं उतना पढ़ाई नहीं की, और मेरा ध्यान कहीं और ज़्यादा था, कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, ऐसा। मेरे पेरेंट्स के लिए देश का सेवा करना वही बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जानते थे कि मैं दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई को समय नहीं दे पाई, ऐसा सोचते थे। लेकिन बात ये था कि मैं जिस कोर्स को लेके पढ़ाई कर रही थी, वहाँ साइंस कॉमर्स दोनों मिक्स है 9th 10th तक, तो मेरे ख्याल से मेरा बेस, मेरा फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं था उसमें, और मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट में ज़्यादा लगाव था, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब में मेरा मार्क्स ज़्यादा उठते थे जितना कि मेरे दूसरे में नहीं। तो हर किसी के खूबी होते हैं, तो मेरे खूबी उसमें था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब में। तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे बोले कि तुम नर्सिंग करना चाहती हो और मुझे कोडिकाडू भेजना चाहते थे, तो मेरी दोस्त ने कहा कि वहाँ एंट्रेंस देना पड़ता है, एंट्रेंस से पास नहीं हुए तो फिर दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा। तो मेरी माँ ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और मैं भी बिल्कुल कॉमर्स नहीं लेना चाहती थी। तो फिर मेरी माँ ने एक रिलेटिव से बात किया, और फिर उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत ऑप्शन है, जैसे जैसा सब्जेक्ट मुझे पसंद था वैसे ही सब्जेक्ट है। तो मैं खुश हो गई, ठीक है मैं वहाँ जाऊँगी, और फिर मैं सोची कि हाँ परमिशन मुझे मदद करेगा वहाँ भी। जब मैं चली गई वहाँ और मेरा एडमिशन हो गया, तो मेरी दोस्त दूसरे दिन कॉल करती है, बोलती है कि एंट्रेंस को चिंता मत करो, मेरा एडमिशन हो जा रहा है, तुम भी आ जाओ यहाँ पे। तो मैं बोली मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी हूँ, और
अब मेरी मम्मी पैसा कहाँ से लाएगी एडमिशन के लिए, तो वो बोली कि पैसे की चिंता मत करो, मैं एली की ना मैं वो सारे पैसे तुमको दे दूँगी, ऐसा बोली, तुम बस आ जाओ यहाँ पे। और मैं यही सोच के मुझे वहाँ बहुत जाने का मन था, मेरी मॉम को बोली कि मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। मेरी मॉम ने मुझे वापस डांटा, बोले कि तुम दोस्त के पीछे भाग रही हो, तुम अपना करियर के बारे सोचो, ऐसा। तो फिर मैं वहाँ चुप रह गई, लेकिन मैं इतना प्रार्थना करने लगी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। एक दिन का बस बात है, एक दिन में एडमिशन हो गया, दूसरे दिन मेरी दोस्त चली गई, क्यों ऐसा? और मैं जबकि आपके लिए काम करना चाहती हूँ, तो मुझे इतना दूर क्यों भेज दिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और जब मैं क्लास में बैठती थी वहाँ पे, वहाँ ना डिवोशन होता था, ना मॉर्निंग वर्शिप, कुछ नहीं, ना प्रेयर, कुछ नहीं, सिर्फ नेशनल एंथम, थॉट ऑफ द डे, हो गया, ऐसा। तो जब आपने डिसाइड किया कि आप एक एडवेंटिस्ट स्कूल, एक क्रिश्चियन, एक एडवेंटिस्ट स्कूल छोड़कर जो एक दूसरे पब्लिक स्कूल में जाने वाले हैं, यानी कि आपने अपना लगभग 10 से 11 साल जो आपने एक एडवेंटिस्ट स्कूल में बिताए, वो वातावरण था, यहाँ पर तो वो वातावरण बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं, आपने क्या सोचा है जब आपने एडवेंटिस्ट स्कूल से बाहर कदम रखा और एक पब्लिक स्कूल में आप जाने वाले थे, तो क्या विचार आपके मन में आ रहे थे? मैं जब वहाँ थी मुझे इतना बुरा लगता था, मैं खिड़की के बाहर देखती थी, और जब सैटरडेज आए मैं खुश थी कि सैटरडे को वहाँ क्लास नहीं होता था, एटलीस्ट ये था, फ्राइडे तक क्लास होगा, सैटरडे को क्लास नहीं होगा, सैटरडे संडे छुट्टी, क्योंकि वो ISC पैटर्न था इसीलिए। और फिर जब सैटरडे के बारी आता था तो मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, मैं दिन भर रूम में रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, चर्च का तो कोई प्रोविज़न ही नहीं था वहाँ पे, मैं अंदर ही रहती थी, और मैं फ़ोन्स में ढूंढती थी कि कहीं भी मुझे अच्छे गाना मिले या कुछ ऐसा डिवोशनल वाला। और मुझे उस टाइम भी मतलब स्मार्टफोन्स नहीं मिलते थे, वो छोटे फ़ोन में ही ढूंढना बहुत तो मुश्किल मुश्किल था, था। ऐसा। और फिर मेरे मेरे एक दोस्त थे जिसने मुझे साबित स्कूल लेसन, जो लेसन स्टडी होता है, वो जेरोक्स करके मेरे लिए भेजे, मैं वो पढ़ती थी, ऐसा। और फिर मैं तरस गई थी कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मैं चर्च जाना चाहती हूँ, हो गया मुझसे, अब नहीं, मुझे वापस जाना है, उससे ऐसा होता था। तो आपका इस पब्लिक स्कूल में जाना, क्या आज क्या सोचते हैं आपकी, क्या परमेश्वर की ओर से था? ज़रूर, क्योंकि मैं वहाँ गई तो मेरा एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था, लेकिन जो चीज़ मैंने मेरे प्रीवियस स्कूल में जो परसेंटेज में नहीं ला पाई, वो मैंने यहाँ ला कर दिखाया। तो आज आप स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी के एक छात्रा हैं, वहाँ पर आप जो है साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं। किस तरह से फिर आपको वापस आने का मौका मिला कि आप इस एडवेंटिस्ट कॉलेज में पढ़ें और अपना जो है परमेश्वर के खुद को करीब रखें? साइकोलॉजी पढ़ने की इच्छा तो मुझ में कहीं कहीं था, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब मैं साइकोलॉजी सुनी और मैं वो स्कूल में गई और पढ़ने लगी, तो मैं सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ती थी वहाँ, ऐसा हो गया था, और मेरा वहाँ फाउंडेशन बन गया था इस सब्जेक्ट के लिए। और फिर मैं जब प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे ऐसा कॉलेज दे 12th के बाद कि जहाँ मुझे चर्च भी मिले और ये साइकोलॉजी कोर्स भी मिले, ऐसा था। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, यही तोहफा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, यानी कि मैं ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना आप एक करती थी। गिफ्ट मांग रहे थे एक हाँ ऐसे कॉलेज के रूप में कि जो जो है चर्च भी हो और सुबह शाम की वहाँ पर वर्शिप भी हो और आपका साथ जो है परमेश्वर के साथ रहे, और आपको ये परमेश्वर ने उपहार दिया एक स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी जरूर, के नाम से। और आज आप इतने जो है परमेश्वर से जो है आपको उपहार मिला है हर तरह का, कि आप एली में भी बहुत आगे हैं, परमेश्वर ने एली के ज़रिए से आपका आप बहुत काम किया और आपको बहुत मदद की, और आप एक एक जो है एक आइडियल के रूप में हैं दूसरों के लिए, एक आदर्श का कारण आप जो दूसरों के लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये एक ऐसी गवाही आज हमारे साथ शेयर की जो हमारे युवाओं के लिए, खास करके हमारी जो युवतियां हैं उनके लिए एक बहुत ही जो है मददगार साबित होगी कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करें, ये उनको ज़रूर मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, खास करके जो हमारी युवतियां हैं उनके लिए आज एक संदेश कि आप हमेशा अपना जीवन परमेश्वर को दें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि आप कैसे जो अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे जब आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं। आमीन।